गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज जी का निधन 6 अगस्त 2019 को 67 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से एम्स में हो चुका है। उनके निधन से कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो सुषमा स्वराज जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। उसके बाद चलिए आपको आगे दिखाते हैं इनके बारे में जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर आ सकती हैं, क्योंकि देश का कोई भी अगर स्पेशल नागरिक का डेथ होता है तो उससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सुषमा स्वराज जी के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहला सवाल कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी बनी हुई थी, और कब बनी थी ये हम आपको दिखाएंगे। इसके आगे भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये 9 बार सांसद रह चुकी हैं। कितनी बार? 9 बार। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की सन 1977 में सबसे कम उम्र की राज्य मंत्री भी बनी थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में, मतलब सबसे लो एज में दिल्ली की राज्य मंत्री बनी महिला का नाम क्या है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, और भी 4, 6, 8 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें, जो भी तो आपको चुनना होगा। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं और उन रिकॉर्डों के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। सुषमा स्वराज 3 साल तक राज्य की प्रवक्ता रही। राजनीति में आने के बाद सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय मंत्री बनी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय मंत्री कौन थी, मतलब माफ़ करिएगा, महिला राष्ट्रीय मंत्री, मतलब कि सुषमा स्वराज जो थी वो राष्ट्रीय मंत्री बनी थी और पहली राष्ट्रीय मंत्री बनी थी, किसकी? बीजेपी की। इसके बाद वो भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनी। तो इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसमें सब में पहला लगा हुआ है, और पहली महिला के बारे में बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राष्ट्रीय मंत्री, ये आपके सवाल में जरूर आते हैं, हर बार आते हैं, इसको ज़रूर देखना। वह कैबिनेट में भाजपा की पहली महिला मंत्री थी। इसके आगे अगर हम बात करें तो सुषमा स्वराज भारत की सांसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी पा चुकी हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सांसद में सर्वश्रेष्ठ महिला का जो सम्मान है वो पाने वाली कौन थी। तो सुषमा स्वराज जी भारत की सांसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वह पहली मुख्यमंत्री भी थी। स्वराज को देश की पहली महिला विदेश मंत्री होने का दर्जा भी प्राप्त है। तो देखिए सवालों पे सवाल यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, देखते जाना। नंबर 1, सुषमा स्वराज जी देश की राष्ट्रीय राजधानी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। नंबर 2, सुषमा स्वराज जी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी बनी। आगे सुनिएगा, सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय मंत्री बनी, मतलब आगे सुनते जाइएगा, सुषमा स्वराज जी भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनी। इतना ही नहीं, वो भाजपा की कैबिनेट की पहली महिला मंत्री थी। तो ये याद जरूर रखना और वीडियो को पूरा देखना। अभी इतना ही नहीं, इनके नाम फर्स्ट नंबर पर होने का बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, तो वो हम सब आपको दिखाएंगे, देखते रहना। तो किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है चलिए पूरा आपको विस्तृत अध्ययन करवा देते हैं। सुषमा स्वराज जी के बारे में उनकी बायोग्राफी आपको दिखा देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक 1952 से लेकर के 2019 तक का सफ़र क्या था वो हम आपको पूरा दिखा देते हैं। सबसे पहले तो एक स्पेशल डे 14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज जी का जन्म होता है, और कहाँ पर होता है? अम्बाला में हुआ। सुषमा स्वराज के पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे, जिस वजह से सुषमा स्वराज ने अपने आसपास संघ और राजनीति का असर शुरू से ही देखा। हालांकि सुषमा स्वराज ने अपने पिता से अलग अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। आगे चलें,
सुषमा स्वराज की शिक्षा, आइए देखते हैं इनके शिक्षा के बारे में एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सुषमा स्वराज ने अंबाला छावनी के SD कॉलेज में BA की पढ़ाई करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली, यानी कि ला किया। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपनी सोच और हर बात को कहने की आदत ने उन्हें सर्वोच्च प्रवक्ता का सम्मान दिया। इसके आगे इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुकी। यही नहीं, सुषमा स्वराज कॉलेज के दिनों में NCC की सर्वोच्च कैडेट भी रही हैं। सुषमा को लगातार 3 साल तक राज्य की सर्वोच्च प्रवक्ता का सम्मान भी मिल चुका है। अभी इनका सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी तो शुरुआत है। सुषमा स्वराज का व्यक्तिगत जीवन, सुषमा स्वराज ने स्वराज कौशल, यानी कि स्वराज कौशल जो हैं सुषमा जी के हस्बैंड थे, इन्होंने इनकी शादी हुई। स्वराज कौशल सुषमा स्वराज के साथ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे। स्वराज कौशल सबसे कम उम्र में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। वह मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज की जी के साथ साथ में उनके हस्बैंड के नाम भी एक बहुत बड़ा जो है वो मान जुड़ा हुआ है कि वो सबसे कम उम्र में राज्यपाल रह चुके हैं मिजोरम राज्य के। मतलब उतनी कम उम्र में कोई भी राज्यपाल नहीं रहा देश में किसी भी राज्य का। अभी यहीं पर ये सफ़र ख़त्म मत मानिएगा। सुषमा स्वराज के हस्बैंड स्वराज कौशल 6 साल तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और अभी आपको हमने दिखाया कितनी बार सुषमा स्वराज जी जो हैं इनके जो हस्बैंड हैं 6 बार वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और सुषमा स्वराज जी उनसे 1.5 गुना आगे, यानी कि 9 बार ये सांसद रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज के हस्बैंड सांसद 6 बार रह चुके हैं। आगे देखिएगा, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए इनका परिचय हम और आगे आपसे करवाते हैं। स्वराज दंपति की उपलब्धियों के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड अवार्ड में भी दर्ज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, स्वराज दंपति की उपलब्धियों के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुकी हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की एक बेटी है जिसका नाम बांसुरी है। हे बांसुरी, ये बांसुरी जो है लंदन के इनर टेम्पल में वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपने देख लिया देश का सर्वोच्च और सबसे जगह और हर एक क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त करने वाली सुषमा स्वराज जी का निधन 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक के कारण एम्स में हो चुका है। तो मित्रों, आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें ये जानकारी मिल सके और वो अपडेट रह सकें। भारत की राजनीति में बहुत मतलब गड़बड़ हुआ है सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद में। आपने देखा होगा ये क्षति कभी पूरी नहीं होने वाली है। और अब आज का ये वीडियो जो है यहीं पर हम बंद करते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट यही होगी बार बार कि ये जो क्वेश्चन इसमें है, पहला स्थान प्राप्त करने वाले आपके हर एक परीक्षा में जनरल अवेयरेंस, जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अवश्य आते हैं, चाहे वो आपकी RRB की परीक्षा है, SSC की परीक्षा है, आपकी सिविल परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, ये सामान्य जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। इन्होंने लगभग 7-8 उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं पहली महिला के रूप में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का दर्जा हो। इतना ही नहीं, लिम्का बुक अवार्ड यानी कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू।